शिमला का आनंद लोग अंबाला में ले रहे हैं। घने कोहरे व कड़ाके की ठंड होने से लोगों को ये कहने को मजबूर कर दिया है कि अब लोगों को शिमला जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिमला से ज्यादा ठंड अंबाला में पड़ रही है। आज एक बार फिर से घने कोहरे और शीत लहर ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, तो वहीं आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। सर ठंड बहुत है, ठंड के कारण हम आग जला के बैठे हैं जी, बहुत ज्यादा ठंड है सर। कारोबार बिल्कुल ठंडा पड़ा है सर, 5 दिन से गाड़ी बिल्कुल खड़ा है जी, मतलब चली ही नहीं है जी, काम बहुत ठंडा है। क्या काम करते हैं? बस ये गाड़ी चलाते हैं जी हम, ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे हैं जी। काम टेंट का काम करते हैं, कारोबार बंद है, अभी ठंड के चक्कर में काम ही नहीं चल रहा, काम बंद है चल रहा है जी। बाला में ठंड खूब पड़ रही है, बरसात हो नहीं रही है, दोपहर बाद सूर्यदेव कभी कभी दर्शन दे देते हैं और लोग शिमले का आनंद अंबाला में ही ले रहे हैं। ठंड से बस कपड़े डाल के बचाव करना और क्या, और शिमला का मजे लेना, यहाँ घूमो, शिमला जाने की लोड़ ही नहीं। बस देखिए ठंड तो बहुत अच्छा नज़ारे दे रही है जी, 25 दिसंबर के बाद तो ठंड का मजा ही कुछ और है। लोग तो मैं कहता हूँ कि ऐसे पैसे अपने ख़राब कर रहे हैं जो शिमला जा रहे हैं, कसौली जा रहे हैं और ना जाने कहाँ कहाँ जाके अपना इस लुत्फ़ को उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अंबाला में आकर के यहाँ पर लुत्फ़ उठाएँ, यहाँ पे इतना हसीन मौसम होया हुआ है कि लोग इस धुंध को तरस रहे थे, आज 10 साल बाद कम से कम पता चल रहा है कि ऐसा दोबारा से ठंड का माहौल बना है यहाँ पर आकर। देखिए बचाव लोग तो अब कहीं जगह देखने को मिल रहा है कि चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, लोग आग लगा के बैठे हुए हैं, और हम सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलती है कि आप सुबह सुबह शहर पर जाओ या कहीं जाओ तो सुभाष पार्क में भी लोगों को देखने को मिलता है कि फिर भी ठंड का, इतनी ठंड होने के बावजूद भी वहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं कि उन्होंने सैर करनी नहीं छोड़ी। बुज़ुर्ग हमारे आज भी जा रहे हैं वहाँ पर और कंटिन्यू जिनकी रेगुलेशन बनी हुई है वो जा ही रहे रेगुलर। सिर से लेकर पाँव तक मैं उन्नी कपड़ों में ढका हुआ हूँ, इतनी ठंड में मुझे जहाँ तक मुझे अपने 40 दशक मुझे हो गए, मैं 57 साल का हूँ और इतनी ठंड मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं झेली जो अब मुझे झेलनी पड़ रही है। शिमला कुल्लू मनाली जाकर क्या करेंगे, वो सारी ठंड समझो अंबाला में आ गई है। इस वक्त बहुत ठिठुरन है, बाहर घना कोहरा है, धुंध है और जीटी रोड पर वाहन भी नहीं आ जा सकते हैं। 6 बजे इतना ज़्यादा कोहरा छा जाता है कि सड़कों पर निकलना बहुत रिस्की हो जाता है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर के बाद से ही लगातार धुंध पड़ रही है और शीत लहर चल रही है, जिसके कारण हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ठंड हमने अपनी 57 साल की जिंदगी में नहीं देखी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।